जिंदगी हो तो चाहे दो साल कमी हो, दो चार साल कम की मिल जाए, 70 की जगह 65 चलेगी, पर जिंदगी हो तो और क्या बोलूं। शादी चाहे दो चार साल रुक के हो जाए, चाहे 5-7 की जगह 50-60 देखने पड़ जाए, पर मिले तब क्या समझदार बताने की जरूरत। मजा आया? कितने लोगों ने यहाँ पे शिव कुमार जी के अंदर अपने आप को देखने की कोशिश की? तो इसी जोश, इसी हल्ले के साथ, इसी शोरगुल के साथ हम इसी डॉक्यूमेंट्री में अपने आप को देखते हुए कॉल करते हैं शिव कुमार जी को। लेकिन याद रहिए कि आपको अपने आप को कॉल किया जा रहा है, क्योंकि शिव कुमार जी में आप अपने आप को देख रहे हैं। सुनो, और एक जोरदार तालियां, धमाकेदार तालियां, एक शानदार म्यूजिक के साथ हाथों में फूंकू लहराते हुए हमारे आज के फ्रंट लीडर, हमारे रिकॉर्ड ब्रेकर, इन्होंने जिन्होंने कीर्तिमान हासिल किया है आज देश की इस राजधानी में, हम इनवाइट करते हैं हमारे न्यू रॉयल डायमंड मिस्टर शिव कुमार जी को। प्लीज वेलकम।
So with this, ladies and gentlemen, I'll request all my dignitaries now. मैं अनुरोध करती हूँ हमारे सभी कीर्तिमानों से. I'll request our managing director and CEO, Mr. Sanjeev Kumar ji. I'll request our company top leader, Mr. Anil Khuri ji. Our first royal diamond, Mr. Amipal Singh ji. And our black diamond, Mr. Krunal Yadav ji. कि हमें मंच पर आकर ज्वाइन करें. और आप सभी की तालियां रुकनी नहीं चाहिए. एवरीवन कैन वी. We'll be right back.
प्लीज स्टेज पे आ जाएं, क्योंकि फोटो तो सारे लोग खिंचवाना चाहते हैं, लेकिन कम से कम एक क्राइटेरिया रखा है। महादेव के भगत के साथ अगर फोटो खिंचवाना है तो डायमंड तो बंदा बड़े। एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली हो जाए फॉर अ न्यू रॉयल डायमंड एवरीबॉडी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस हियर, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल द डायमंड्स। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए फॉर मिस्टर एंड मिसेस शिव कुमार एवरीबॉडी। मतलब आई एम डेड श्योर शिव सर ने अपनी शादी पे भी इतना जश्न और इतना माहौल नहीं देखा होगा जैसा आज उन्हें देखने को मिला है, राइट? ये किसी दूल्हा दुल्हन से कम लग रहे नहीं लग रहे ना? शादी भी यहाँ पर करा दी गई है, तो अब बारी है थोड़े से डांस की। वत से करवा दे, चलिए शिव सर एक बार मैम का हाथ पकड़ लीजिए। कैन वी रिमूव दिस बुके फ्रॉम योर? पहले तो मैं ना दोनों को देख कर ये कहना चाहूंगी, आई मीन दोनों इतने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं कि खुद को खुद की खबर ना लगे, कोई इस कदर भी अच्छा ना लगे। देखा है आप दोनों को उस नजर से जिस नजर से इनको किसी की नजर ना लगे। चलिए हाथों में हाथ है, डीजे से मेरी रिक्वेस्ट है एक अच्छा सा नंबर लगा दीजिए फॉर द ब्यूटीफुल कपल आउट हियर, फॉर द रॉयल डायमंड कपल आउट हियर। एक बार दोनों हाथ ऊपर हो जाए, लेट्स हियर इट टुगेदर, कैन वी हैव सम म्यूजिक डीजे? मैम मैं इससे पहले सर को माइक दूं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस मोमेंट पर?
तो मैं यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी को नमस्कार करना चाहती हूँ। और आप सभी लोगों ने जो हमें इतना सम्मान दिया है, इतनी इज्जत दी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे जितने भी लीडर उपस्थित हैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सभी लगन और मेहनत से काम करें ताकि आप जल्दी से जल्दी रॉयल डायमंड का जो लेबल है उसे अचीव कर सकें। और जितनी भी उनकी मिसेज यहाँ पे बैठी है वो उनको जितना भी अभी तक हेल्प करती हैं, सहयोग करती हैं, उससे ज़्यादा उन्हें सपोर्ट करें ताकि वो अपने काम में अच्छे तरीके से ध्यान लगाएं और लगन के साथ काम करें। ओके, थैंक यू। तो भाई मैम का कहना सिर्फ ये है कि लगन और मेहनत को कहने हैं सिर्फ तीन शब्द, लगन और मेहनत को कहने हैं सिर्फ तीन शब्द, और वो तीन शब्द है कबूल है, कबूल है, कबूल है। चलिए अब मैं आपके रॉयल डायमंड को माइक देना चाहूंगी, तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए फॉर मिस्टर शिव कुमार। और दोस्तों अगर उनके बारे में बात करूं
शक्तिशाली राजा से मजबूत उसकी सेना होती है। और दोस्तों हमारे वो लीडर जो कि चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, इन लोगों ने एक मैसेज पर काम किया है। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, क्योंकि दोस्तों शिव कुमार तो एक नाम है, अगर काम किए हैं तो इन लोगों ने किया है। हमारे सभी सीनियर मोस्ट लीडर मिस्टर अमित दुबे जी, मिस्टर अनुज शर्मा, मिस्टर नसीम खान जी, मिस्टर मदन लाल साहब, हमारे जितने भी डायमंड लीडर है और हमारे जितने भी ये AWPL एसोसिएट है, अगर दोस्तों अगर आप लोग अगर नहीं होते, अगर आप हमारा साथ नहीं देते, अगर आप एक मैसेज पर दिन रात एक न करते तो शिव कुमार यहाँ पर नहीं होता। मैं दोस्तों आपको दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ। हमारे सभी AWPL फाइटर अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, दोस्त जोरदार तालियां होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, नाम बता दिया हूं शिव कुमार। और आपने कुछ स्टोरी में देखा होगा कि कैसे कैसे जर्नी शुरुआत हुआ था। मैं रहने वाला बिहार का छोटा सा गांव है औरंगाबाद, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। और दोस्तों उसके भी एक गांव है ममका, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। और अगर देखा जाए तो जो हमारे गांव की स्थिति जो हुआ करती थी उस समय कि हमारे गांव के 99% लोग खेती के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे। अगर हमारे गांव की अगर बात की जाए तो अगर कोई आदमी खेती से उठ के अगर 20-25 हजार महीने का इनकम लेने लगता था तो बहुत अच्छा उसे बोला जाता था। और अगर 50 हजार अगर इनकम लेने लगा तो उसे वहां का शहंशाह बोला जाता था। दोस्तों अगर देखा जाए तो मैं बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। दोस्तों अगर गांव की अगर बात किया जाए तो गांव में जॉब को लोग बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। और दोस्तों हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मेरी एज 16 साल की थी तो 16 साल की एज में हमने इंडियन आर्मी के लिए ट्राई किया और 16 साल की एज में इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं इंडियन आर्मी को, इंडिया का सबसे रेस्पेक्टेबल जॉब हमें मिला, एक बार सैल्यूट करना चाहता हूं। दोस्तों मैं सैल्यूट इसलिए कर रहा हूं कि अगर आर्मी की अगर बात की जाए तो चाहे -40 डिग्री टेम्परेचर होता है उस समय भी आर्मी हमारी बॉर्डर पर हिफाजत करती है और हम यहाँ शांति के नींद सोते हैं। जब रात को जगते हैं तो हम यहाँ सोते हैं। और दोस्तों मैं आर्मी का जॉब किया हूँ, लगातार 7.5 साल तक जॉब किया। और दोस्तों उसके बाद अगर स्ट्रगल की अगर बात किया जाए तो आज से लगभग 9 साल पहले मैं MLM मार्केटिंग में आया था। और दोस्तों मैं 7.5 साल तक अगर देखा जाए तो इस बिजनेस को सीखा है, इस बिजनेस को समझा है। दोस्तों जब मैं MLM का जब स्टार्ट किया था तो उसी दिन ये सोचा था, मुझे एक चीज पता चल गया था कि चाहे कोई भी नौकरी है, नौकरी से तो जरूरतें पूरी की जाती है, अगर सपने को अगर पूरा करना है। और एक आम आदमी की अगर बात किया जाए दोस्तों, ऐसा बोला जाता है कि सपने पूरे होते हैं, लेकिन एक अमीर बाप का बेटा का सपना पूरा हो सकता है, एक बड़े बाप का बेटा का सपना पूरा हो सकता है। हम जैसे आदमी, हम जैसे लोग जो 20-30 हजार की जॉब करते हैं, कभी 20-30 हजार में वो लाइफ नहीं जी सकते जो एक आदमी का ड्रीम वाला लाइफ होता है, एक सपनों का लाइफ होता है। और दोस्तों एक चीज पता चल गया था कि MLM इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां से एक आम आदमी की जिंदगी बदल सकती है, एक आम आदमी साइकिल से कार पर आ सकता है, एक आम आदमी लग्जरियस लाइफ जी सकता है। दोस्तों बताना चाहूंगा एक चीज कि जो सक्सेस जो मिलती है वो तो बाद में मिलती है, लेकिन सक्सेस के लिए जो सबसे बड़ा बात है वो इंसान की सोच होती है। अगर एक आदमी का डिसीजन ले लेता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है तो केवल डिसीजन लेने मात्र से दोस्तों 50% काम हो जाता है। और थैंक यू दोस्तों, मैं डिसीजन लिया था जिस दिन MLM इंडस्ट्रीज में आया था, उस दिन इसलिए नहीं आया था कि यहां से 10-20 हजार 50 हजार लाख रुपए कमाने हैं, उसी दिन इस सोच के साथ आया था, इस विजन के साथ आया था कि यहां से हमें भी अरबपति बनना है और हमारे साथ जो लोग आए हैं उनको भी अरबपति बनाना है। दोस्तों
लगातार स्ट्रगल किया। ऐसे ऐसे दिन भी हमने देखे हैं कि दोस्तों जब बीमार होता था उस समय की भी अगर बात किया जाए तो हमारे सामने कुछ एसोसिएट होते थे जो प्लान देने की बात करते थे, तो भी हम बाइक के ऊपर पानी पल्ला ओढ़ के आर्मी से जॉब का शुरुआत किया था, आर्मी का पानी पल्ला ओढ़ता था और जाके दोस्तों प्लान दिया है। कभी भी चाहे डाउनलाइन की जरूरत पड़ी हमने वहां पर गया, लोगों को साथ दिया और दोस्तों लगातार 7.5 साल तक स्ट्रगल किया, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद एक चीज समझ में आई, सिर्फ सीखा। और मुझे एक चीज पता था कि अगर सक्सेस अगर होनी है तो ऊपर वाला हर आदमी का एग्जाम लेता है, बिना एग्जाम के ऊपर वाला किसी को सक्सेस नहीं करता। दोस्त अगर भगवान अगर राम की अगर बात किया जाए तो आप देखिए वो इस धरती पर भगवान के रूप में आए थे, लेकिन जिस दिन भगवान राम का राजाभिषेक था उस दिन बात किया जाए राजा बना दिया गया, और अगले बार मैसेज मिलता है कि तुझे वनवास जाना है। भगवान राम बिना कुछ पूछे वनवास की ओर चले गए। उसके बाद जब वापस आए वहां भी बहुत सारे एग्जाम लिया गया, वहां भी उनसे सीता मैया को छीन लिया गया। जब वनवास काट के रावण को हरा के जब वापस आते हैं तो एक धोबी उनको मिल गया और उसके बाद सीता मैया वहां से भी चली गई। आप एक चीज सोचिए, जब इस धरती पर जब भगवान को जब स्ट्रगल करना पड़ा तो हम क्या चीज है। मुझे एक चीज पता था कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, यह निखर के आएगा, इसका जो रिजल्ट है वो बाद में आएगा। कभी भी दोस्तों चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आया, एक ही चीज बताना चाहता हूं, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आया तो हमने यह चीज सोचा कि अच्छा हो रहा है। आज आप लोग यहाँ पर आए होंगे, बहुत सारे लोग हमारे हर हर महादेव की धरती से आए, 1000 लोग, कुछ लोग आगरा से आए हैं, कुछ लोग यूपी के कोने कोने से आए हैं, राजस्थान से आए हैं। ना जाने कितने मेहनत आपको करना पड़ा होगा, कितने ट्रेनों के धक्का खा के लोग आए। अब आप एक चीज आप सोचिए, ये धक्का हमने भी खाया है, लेकिन दोस्तों जब जब बात किया जाए कि जब जब हमें कुछ फेस करना होता था तो हम एक चीज सोचते थे कि नहीं अब अच्छा होने वाला है। और दोस्तों कभी भी टूटा नहीं, कभी भी नहीं टूटा। हमने वो दिन भी देखे अपने लाइफ में कि देखा जाए तो हमें गाड़ी ले लिए थे छोटी सी, लेकिन पेट्रोल डालने के लिए उसमें पैसे नहीं होते थे दोस्त, लेकिन फिर भी हमने काम को करते गया। दोस्तों अगर स्ट्रगल की बात किया जाए तो काम का भी एक कोटा होता है, जब वो कोटा पूरा हो जाता है ऊपर वाले से एक चीज बोला था कि भगवान जितना करवाना है मेहनत करवा ले, लेकिन उसके बाद एक दिन तू जरूर बोलेगा तथास्तु। और दोस्तों उसके बाद 7.5 साल मेहनत करने के बाद हमारे लाइफ में भी भगवान आए। आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्री के अंदर मिस्टर नेपाल जी और संजीव कुमार जी जैसे भगवान आए, पूरी सर जैसे भगवान आए और दोस्तों जिंदगी बदलने शुरू हुई। दोस्तों अगर बात करूं AWPL की, अगर बात करूं तो दोस्तों AWPL कोई MLM मार्केटिंग का ये नहीं है, ये क्रांति है दोस्त। अगर क्रांति की अगर बात किया जाए तो इंडिया हर कोई एक क्रांति का शुरुआत करता है। और आज अगर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि AWPL वो क्रांति है, वो जगह है जहां से इंडिया में अरबपति बनने का लाइन पैदा होगा, वो क्रांति AWPL। आज से 2.5 साल पहले इस क्रांति के साथ जुड़ा और जुड़ने के बाद मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूं, सक्सेस के लिए सबसे बड़ी चीज कि अगर प्लेटफॉर्म अगर मिला है तो प्लेटफॉर्म की पूजा करो दोस्त। ये मंदिर है, ये हमारा खुदा है, ये हमारा सब कुछ है। मैं AWPL को कोई बिजनेस नहीं माना, AWPL हमारा मंदिर है दोस्त, इसकी पूजा करता हूं। और दोस्तों अगर देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा मंत्र है सक्सेस का, जिसको कि फॉलो किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने पहले सीखा
फिर यहां तक पहुंचा। अगर दूसरी बात की जाए तो हमारे अप्लाई सबसे बड़ा मैसेज आपको देना चाहता हूं, अगर सक्सेस अगर आपको होना है, अगर आपको विनर बनना है, अगर आपको टॉपर बनना है, तो एक ही चीज बोल मानना, अप्लाई जो भी चीज बोलता है उसको इग्नोर मत करना दोस्त। मेरे अप्लाई है गुरुजी महिपाल जी ने, मेरे आइडियल है मेरे भगवान ने। अगर बात किया जाए तो आज शिव कुमार कंपनी का रॉयल डायमंड है। आज अगर सक्सेस की बात किया जाए तो दोस्तों आज के डेट में बताना चाहता हूं, आज गुरु जी का आशीर्वाद है प्लेटफॉर्म में। अगर जिसके ऊपर हाथ ऐसे हो जाए ना, वो आदमी सक्सेस हो सकता है, सर का हाथ मालूम करे। लेकिन आप एक चीज आप देखिए, आज भी अगर गुरु जी का मैसेज अगर 12 बजे मिल जाए, 1 बजे रात को अगर मिल जाए कि शिव कुमार जी आपको यहां से सिटी में जाना है, 1 महीना वहां पर काम करना है, सर गुरु जी का मैसेज भगवान का मैसेज है, मैं उसको फॉलो करता हूं, एक ही मंत्र है फॉलो करता हूं, चाहे जो भी सर बोले, जो भी हमारे यहां पर त्रिमूर्ति सीनियर बैठे हुए, हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर कुणाल सर बैठे हुए हैं, जबरदस्त तालियां सर के लिए होना चाहिए। आप समझिए, हमारे सीनियर जो भी बोल दे मैं उसको फॉलो किया, यस तो यस, नो तो नो। और दोस्तों एक चीज सोचा था, दूसरा कि अगर सक्सेस होनी है तो जो दोस्तों सक्सेस तड़पाती है, आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि आज के बाद एक कसम खा लो, ये ठान लो कि कुछ भी हो हमें यहां से डायमंड बनना है, ब्लैक डायमंड बनना है, रॉयल डायमंड बनना है, ब्रांड एम्बेसडर बनना है। आज आप सोच लो कि कुछ भी हो हमें 5 साल तक इस बिजनेस को छोड़ के नहीं भागना है, हमें टिके रहना है। अगर टिके रहते हैं तो सक्सेस आपके पीछे नहीं, सक्सेस तो साला झक मार के आता है, और जो बीएमडब्ल्यू को झक मार के आता है। टिके रहना दोस्त, केवल टिके रहना, सक्सेस तो इंसान के पीछे घूमती है। एक ही चीज किया दोस्त, टिके रहा बिजनेस में, चलते रहा, गुरु की बात को मानते रहा, फॉलो करते रहा, जो भी गुरु ने बताया वो टीम को बताते रहा। और दोस्तों जब WPL को ज्वाइन किया तो ऊपर वाला इंसान के घर में देर करता है, अंधेर नहीं करता है। हमारे साथ लोगों की लाइन लगी, हमारे साथ मिस्टर अमित दुबे जी जैसे, अनुज शर्मा जैसे, मदन लाल जैसे, नसीब खान जैसे लोग आए। और दोस्तों आज इंडिया में नहीं, आज वर्ल्ड MLA में इंडस्ट्री के ब्रेक को तोड़ा। और दोस्तों बोल सकता हूं एक ही चीज है कि जैसे बोला जाता है कि भगवान राम 14 साल तक वनवास में भटके, और भटकने के बाद जब उनका हुआ 12 साल तो हनुमान मिला, और हनुमान बोला कि मेरे कंधे पर बैठो, मैं सारी दुनिया के सैर कराऊंगा। ये हनुमान मुझे मिले, आप जैसे हनुमान मिले। और आज अगर बोला जाए, कैंपिंग की बात किया जाए, दोस्तों वीकली 2000 सेल जाते हैं। दिस इज ए पावर ऑफ MLA। आज सब कुछ यहां से बदल गया दोस्तों। आज अगर WPL प्लेटफॉर्म की अगर बात किया जाए, आज अगर ऐसा हो पाया है तो सिर्फ WPL प्लेटफॉर्म की वजह से, सिर्फ सिस्टम की वजह से, इन गुरुओं की वजह से। एक साइकिल पर चलने वाला आदमी एक 400 की साइकिल से जिंदगी का शुरुआत किया था, आज बिजनेस की देन है, आज बिजनेस का पावर है कि 400 की साइकिल से चलने वाला आदमी बाहर में देख सकते हो 60 लाख की ऑडी कार मेंटेन कर रहा है। दिस इज ए पावर ऑफ WPL। जिंदगियां बदलती है दोस्त, जहां पर लाइफ का शुरुआत 5000 के जॉब से किया था, 5000 के जॉब से। आज अगर WPL की बात किया जाए, आप लोग देख सकते हो कि 5000 की जॉब से शुरुआत करने वाला आदमी आज एक एक वीक का, एक एक हफ्ते का 60 लाख 50 हजार का चेक ले रहा है। ये पावर है WPL। जिंदगी बदलती है दोस्त, केवल हमें विश्वास करना पड़ेगा, हमें भरोसा करना पड़ेगा। सिर्फ अंतर इतना है कि आज से 2.5 साल पहले मैं WPL में आया था, विश्वास किया था, भरोसा किया था, और आज मैं यहां पर हूं। आज आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, किसी को 1.5 साल में मिलेगा, कोई 2 साल में करेगा, कोई 4 साल में रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, लेकिन एक ना एक दिन आएगा कि अगर आप टिके रहते हैं, जमे रहते हैं, तो स्टेज आपका इंतजार कर रहा है दोस्त, ये स्टेज आपका इंतजार कर रहा है। आज अगर बात किया जाए तो दोस्तों, आज अपने अचीवमेंट को अगर बोलूं,
जगुआर ले रहे हैं, मिस्टर अनुज शर्मा जी मर्सिडीज ले रहे हैं, मदन लाल साहब, नसीब साहब आज होली में घूम रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो आज जिन जिन लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया, कभी हम साइकिल के लिए तरसते थे, दोस्तों आज ब्रांड कार की लाइन लग गई है। ये पावर है AWPL का। आज जिंदगियां बदलती है, लेकिन दोस्तों विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। क्या विश्वास कर सकते हो? क्या भरोसा कर सकते हो? दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा, यह खुद नहीं अपने घर वालों की भी लाइफ बदलती है। मेरी एक छोटी सी बेटी है, शायद स्टेज पर नहीं आ पाई होगी जल्दी से, बैठी हुई पीछे में, आन्या सिंह चौहान। आज अगर देखा जाए तो दोस्तों हम 10वीं तक पढ़ाई पैदल चल के करते थे, आज बिजनेस की पावर है कि जन्म ली थी तो ऑडी में आए। और आपको दावा देता हूं कि बाद में जब स्कूल पढ़ने जाएगी दोस्त, तो अपने 3 करोड़ के लैम्बोर्गिनी से जाएगी। आज मैं दावा देता हूं बिजनेस में। आज आप देख सकते हो सब कुछ बदल गया है, मतलब एक तरीके से इतिहास बदल गया है। आज जब हम स्टार्ट किए थे बिजनेस को, तो लोगों को बताते थे, अपने रिलेटिव को बताते थे, अपने घर वालों को बताते थे, लोग मना करते थे, कभी कभी सोचते थे कि पता नहीं कौन सा बिजनेस कर रहे, क्या कर रहे। अप्लाई एक चीज बोला करते थे, जब अप्लाई के पास जाते थे कि टिके रहना। आज हमारे साथ भी पहले ऐसा हुआ था, आज लोग हमारे पीछे आते हैं। और दोस्तों ऐसा हुआ, जो लोग मना करते थे, जिनके पास जा जाके 10-10 बार, 20-20 बार, 30-30 बार फॉलोअप किया, वो आते नहीं थे। आज अगर देखा जाए दोस्त, तो उन्हीं रिलेटिव की बात करता हूँ, उन्हीं घरवाले की बात करता हूँ, वो एक फोन के लिए वेट करते हैं कि सर आइए और हमारा ज्वाड़ी लगाइए। लेकिन आज शिव कुमार के पास फोन भी अटेंड करने का टाइम नहीं है। बदलता है दोस्त, सब कुछ बदलता है। आपके साथ भी होगा, लेकिन दोस्तों टिके रहना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। क्या भरोसा आप कर सकते हैं? क्या विश्वास आप कर सकते हैं? क्या 3 से 4 साल कदम से कदम मिला के चल सकते हैं? दोस्तों एक दावा देता हूं कि अगर आप इस बिजनेस पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, आप पहली प्रायोरिटी देते हो, तो मैं दावा देता हूं कि अगला 5 साल तक आप टिके रहना। ये सच इस अप्लाई के बिहेव पर बोलता है, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा, चाहे कुछ भी हो, आपको जरूर करोड़पति बनाएगा दोस्त, जरूर बनाएगा, जरूर बनाएगा, मैं दावा देता हूं। दोस्तों आज अगर बोलू तो आज जिंदगी सपनों जैसी हो गई है, हसीन हो गई है, आज सब कुछ बदल गया है। लेकिन यहां तक पहुंचने के पीछे बहुत सारे पेन को झेला गया है, बहुत सारे दर्द को झेला गया है। एक चीज में सुना था, एक जगह की बात है कि एक लेडीज थी, वो प्रेग्नेंट थी, वो डॉक्टर के पास जाती है। जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे वोमिटिंग होता है। डॉक्टर बोलता है एब्सोल्युटली राइट, बोलता है मुझे और भी हेजिटेशन भी होता है। डॉक्टर बोलता है एब्सोल्युटली राइट, बोलता है मुझे पेन भी होता है। डॉक्टर बोलता है एब्सोल्युटली राइट। तब वो पूछती कि ऐसा क्यों? बोले कि ये प्रोसेस है बच्चा को होने का, और ये दर्द हो रहा है, ये वोमिट हो रहा है, ये पेन हो रहा है, यानी बच्चा सही है, ये नहीं होगा तो बच्चा ये एक्सपायर हो सकता है। और वो लेडीज खुश होके हुई गई। दोस्तों अगर आपको दर्द हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, दोस्तों मर्द को दर्द होता है, दर्द को झेल लेना, रुके रहना, टिके रहना। मैं दावा देता हूं यहां पर हर आदमी रॉयल डायमंड बनेगा, रॉयल डायमंड बनेगा, रॉयल डायमंड बनेगा। दोस्तों अब मैं इन्हीं वाणियों के साथ अपने आज का वाणी को विराम देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो थाईलैंड। एक बार आइए फिर से खड़े होकर जोरदार ताली के साथ फॉर आवर न्यू रॉयल डायमंड एंड एनर्जी शिव कुमार एवरीबॉडी।
इस जश्न को आगे लेकर चलते हैं एंड टू डू द सेम लेडीज एंड जेंटलमैन आइए बुलाते हैं अपने डांस परफॉर्मर्स को बोलिए इट्स टाइम टू टेक दिस सेलिब्रेशन फॉरवर्ड एंड टू डू द सेम लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम ऑन स्टेज आवर डांस परफॉर्मर्स Thank you.
So that was such a beautiful performance. एक बार जोरदार तालियां हो जाए for all the performers out here. और आगे इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे. Ladies and gentlemen, now is the time for another recognition. अब घड़ी है एक और सम्मानित करने की. So ladies and gentlemen, सम्मानित करेंगे हम उन लोगों को जो अपने मेहनत से, अपने लगन से पहुंच पाए हैं स्टार सेफायर की कैटेगरी तक. तो आइए आप सभी की तालियों से अब उन्हें मंच पर बुलाते हैं. एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां हो जाए. फॉर ऑल दी स्टार सेफायर अचीवर्स, प्लीज वेलकम मिस्टर राम नारायण गुप्ता, मिस्टर कृष्ण कुमार, मिस्टर विकास कुमार, मिस्टर प्रणव पांडे, मिस्टर जितेंद्र शुक्ला एंड मिस्टर विनोद कुमार. एवरीबॉडी ये तालियों में कोई कंजूसी नहीं चाहिए. मिस्टर नसीब खान जी और मिस्टर अनुज शर्मा जी की हमें मंच पर आकर ज्वाइन करें. ज्वाइन करें.